गाइज आज का टारगेट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट डे का टारगेट मैं अब लिख रहा हूँ कि मुझे आगे क्या पढ़ना है नेक्स्ट डे, ठीक है। तो लिख लेता हूँ, तो 3 बजे उठना है, उठने के बाद पॉलिटी पढ़नी है, उसके बाद 7 बजे से मुझे करंट अफेयर और न्यूज़पेपर दोनों कंप्लीट करना है, इसके बाद 9 बजे ज्योग्राफी, इसके बाद में फिर अगला स्लॉट होगा वो 1 बजे से हिस्ट्री का। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो टाइम हो चुका है और अलार्म जो है मेरा 3 बजे बज चुका है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अलार्म बजा और मैं उठा, और उठने के बाद अब मुझे जाना है मुँह धुलने के लिए, क्योंकि अब जो है पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं मुँह धुल लेता हूँ सही से, ताकि मेरी नींद जो है बिल्कुल छूट जाए और इसके बाद मैं स्टडी जो है अच्छे प्रकार से कर सकूँ। तो चलिए फिर मुँह धुल लेता हूँ और इसके बाद फिर मिलता हूँ आप सभी को नए स्लॉट के साथ, जो कि मैं 2.5 घंटे का स्लॉट लगाने वाला हूँ। वो स्लॉट मेरा 3 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक रहेगा और उसको कंप्लीट करूँगा मैं। तो चलिए फिर, बिल्कुल फ्रेश हो चुका हूँ जिससे कि मेरी नींद जो है ख़त्म हो चुकी है और मैं जाके बस अभी स्टार्ट कर दूँगा पढ़ाई, और आज बिल्कुल मन लगने वाला है मेरा स्टडी में। तो आज भी कुछ डिफरेंट तरीके से मैं स्टडी करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले मैं संभाल लेता हूँ थोड़ा, क्योंकि टेबल ऐसी रखी हुई थी तो इस वजह से। तो चलिए, इंडियन पॉलिटी निकाल रखी है मैंने, एम लक्ष्मीकांत पढ़ता हूँ, तो इसमें आज मेरे 60 चैप्टर कम्प्लीट हो जाएंगे शाम तक। अगर रह भी जाएगा एक आध चैप्टर तो मैं शाम के टाइम में फिर दोबारा से एक बार और पढ़ूंगा इसको, इसके बाद में मेरी ये भी कंप्लीट हो जाएगी। ये अगर कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद में मेरा जो बोझ है ये जल्दी से खत्म हो जाएगा। एक बार अगर रिवाइज हो जाता है तो उससे पता चल जाता है कहाँ पर क्या है, और आपकी नॉलेज जो है बेसिक तरीके से हो ही जाती है। बाकी आपकी नॉलेज जो है कहाँ से होगी, वो आप दोबारा जब बार बार रीडिंग करोगे। उसके बाद अभी 11 बजे हो रही है, मतलब 3:11 हो रही है, ठीक है। देखिए, इंडियन पॉलिटी को पढ़ने का तरीका बस यही है, इंडियन पॉलिटी ही नहीं मतलब कोई भी बुक हो, ठीक है, उसको पढ़ने का तरीका ये है कि उसको जो है एक बार रिवाइज करो सही से, मतलब उसको रिवाइज सॉरी नहीं मतलब उसको पहले रीडिंग करो, और जब रीडिंग करोगे उसके बाद में आपको अच्छे से जब पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, इसके बाद फिर आप नोट्स बनाएं। जब नोट्स बनाओगे उसके बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए, नोट्स तभी बना पाओगे जब आप एक बार रिवीजन कर लोगे, अच्छे से उसको रीडिंग मार लोगे और एक दो बार कम से कम उसको पढ़ लोगे सही से। तो मैं इंडियन पॉलिटी में हाल नोट्स नहीं बनाने वाला और ना ही हाल जो है हाईलाइट करने वाला, क्योंकि इसके लिए मुझे ना टाइम देना है थोड़ा अपने आप को, और टाइम देने क्या है कि इसको पहले समझना है सही से, इसके बाद में कुछ होगा, ठीक है। तो ये पहले करने के बाद, समझने के बाद, उसके बाद ही स्टार्ट करूँगा। चलिए फिर, इसको कंप्लीट करने के बाद आपको मिलता हूँ, और टाइम हो जाएगा वैसे ही, मुझे जाना है एक्सरसाइज करने के लिए। और जैसे कि आप सभी को अभी टाइम हो रहा है 4:08 और इसको कंप्लीट मैंने कर ही लिया है, 2 चैप्टर मेरे कंप्लीट हो गए, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। काफ़ी ऑथेंटिक चैप्टर थे और अच्छे चैप्टर थे, ठीक है, दोनों पर बेस्ड थे, सेंट्रल और स्टेट पर, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट चैप्टर आप सभी देख ही पा रहे हैं कि नेक्स्ट चैप्टर मेरा ये है, ठीक है। तो इसको भी कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आप सभी से मिलता हूँ, उसके बाद मुझे फिर टाइम हो जाएगा शायद, लग रहा है मुझे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा भी है, लेंथी है, और बाकी इसको कंप्लीट करने के बाद एक और चैप्टर रह जाएगा, उसको भी कंप्लीट करूँगा, बाकी एक चैप्टर रह जाएगा मेरा, वो शाम को कंप्लीट करूँगा। तो इसी इतने अभी कर लूँगा मैं, तो 60 चैप्टर जो आज मेरे कंप्लीट हो जाएंगे शाम तक, ठीक है। तो करता हूँ इसको, और करने के बाद में फिर मुझे जाना है एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज मैं डेली करता हूँ 5:30 बजे से, तो एक्सरसाइज करने जाऊँगा। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, कंप्लीट करने के बाद आगे मिलूँगा। तो इससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आप सभी देख पा रहे हैं, बाकी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ सेपरेट, किस प्रकार से हम रीडिंग करें, किस प्रकार से याद करें, और बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे थे कैसे याद करते हैं, तो उसका भी आज मैं आंसर आपको देने वाला हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और देखिए मेरा टाइम जो है हो चुका है काफ़ी, 5:29 हो चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ, और ये भैया आ चुके हैं मेरे, रंजीत भैया, तो वो कस रहे हैं इसको डंबल को, इसके बाद फिर हम लोग जा करके व्यायाम करेंगे। तो देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए फिर मैं करने लग गया हूँ एक्सरसाइज, और आप सभी देख पा रहे हैं। तो एक्सरसाइज करने के बाद फिर मुझे हवन कराने जाना पड़ेगा, तो हवन कराने तो जाता ही हूँ, लेकिन उसकी वीडियो आज मैं नहीं डालूंगा इसमें, ठीक है। तो कभी कभी डालता हूँ, मतलब डेली नहीं डाल सकता, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लेता हूँ, पहले एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और खैर इससे क्या है कि शरीर थोड़ा फिट रहता है, और शरीर जब फिट रहेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर हमारी स्टडी भी अच्छे से कंटिन्यू रहेगी और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर एक्सरसाइज करता हूँ, इसीलिए मैं डेली 3 बजे उठ जाता हूँ। तो ये है, चलो मैं हवन करके आ चुका हूँ, और करंट अफेयर के लिए मेरी वीडियो है, इस वीडियो को मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, और इसी के साथ 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 में नोट भी करता जा रहा हूँ। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉन्च की थी स्कीम जिसका नाम उड़ान था, ठीक है। उड़ान स्कीम के बारे में पढ़ रहा हूँ वैसे अभी, ठीक है। तो वो स्कीम जो है कब लागू हुई थी और किसके मतलब क्यों लागू हुई थी, क्या कारण था, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेगा जो भी व्यक्ति, उसका कमेंट में बॉक्स में नाम लेके आऊँगा मैं, और उसके बारे में बताऊँगा भी। तो आप
कोई भी एक व्यक्ति चाहे कोई भी मतलब जो भी अवसर देगा अच्छे से उसका मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आप सभी बताएंगे कि उड़ान स्कीम जो है कब और किस लिए लागू की गई थी, उड़ान स्कीम का मतलब क्या है, तो उड़ान आप लोग समझ सकते हैं इसकी फुल फॉर्म बता देना, ठीक है। और बाकी कब ये स्टार्ट हुई थी ज़रूर बताना, ठीक है। इसके बाद मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस को मेरे पास रखा हुआ है, लेकिन द हिंदू पढ़ रहा हूं, ये कंप्लीट कर लेता हूं। इसके बाद फिर मुझे इंडियन एक्सप्रेस की हार्ड कॉपी मैंने ले ली है, तो द हिंदू मैंने वीडियो में देखा, इंडियन एक्सप्रेस जो हार्ड कॉपी है मेरे पास उससे मैं पढ़ रहा हूं। तो एक बात बताऊं आपको, मैं दोनों न्यूज़पेपर को फॉलो करता हूं, चाहे द हिंदू हो या फिर इंडियन एक्सप्रेस हो, ठीक है, दोनों को ही फॉलो करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि एक ही को फॉलो करता हूँ, क्योंकि रीडिंग के लिए मैं ज़्यादातर इंडियन एक्सप्रेस प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें जो है इजी लैंग्वेज होती है। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ द हिंदू की, तो द हिंदू के लिए मैं उसको वीडियो के फॉर्म में लेता हूँ, ठीक है, एडिटोरियल प्रकार का आता है उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो इंडियन एक्सप्रेस भी काफ़ी अच्छा न्यूज़पेपर है अगर आप अच्छे से। तो मेरा लंच का टाइम हो चुका है, तो लंच कर लेता हूँ। पहले नाश्ता मैंने कर ही लिया था सुबह, लेकिन फिर लंच का टाइम हो चुका है पढ़ते पढ़ते, तो लंच कर लेता हूँ। सब्जी है, रोटी है, सलाद है साथ में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलके, अब देखिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी कंप्लीट करूँगा, इसके बाद फिर मुझे सोने जाना है, ठीक है। तो 12:55 हो रही है अभी, और इसके बाद फिर मुझे सोने जाना है, क्योंकि मुझे नींद भी आएगी, क्योंकि नींद आती है इतने टाइम मुझे। तो मैं ये एक बार ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेता हूँ इसका चैप्टर, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आपसे मिलूँगा एक नींद लेने के बाद। 2 घंटे की नींद मेरी रहेगी, 2 घंटे बाद फिर आपको मिलूँगा, क्योंकि मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ और रात को मैं लेट सो पाता हूँ थोड़ा, तो इसलिए, ठीक है। तो 3 घंटे मैं रात में सो लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं दोपहर को सोता हूँ 2 घंटे 3 घंटे ऐसे, तो 6 घंटे की करीब मैं नींद, 3 घंटे नींद लेने के बाद में, 3 घंटे में सोने के बाद में फिर मैं आंसर राइटिंग लिख रहा हूँ। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आंसर राइटिंग वैसे आपको करनी चाहिए। मैं अपने आपको बताऊँ कि आंसर राइटिंग के लिए मैं बहुत दिन से प्रेफर कर रहा हूँ, मैं पहले ही बताता रहता हूँ, ठीक है। डेली मैं एक आंसर लिखता हूँ, जिससे कहीं की मेरी जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे और अच्छी प्रैक्टिस हो। जब तक मैं आंसर लिखूँगा UPSC का, या जब मैं मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व करूँगा, तो उस टाइम पर मेरी आंसर राइटिंग जो अच्छी होनी चाहिए और लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, इसीलिए मैं डेली एक क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग कि आप आंसर राइटिंग के लिए UPSC का क्वेश्चन उठाते हो या खुद ही बनाते हो। तो देखिए, आंसर राइटिंग के लिए मैं करंट अफेयर से ले लेता हूँ टॉपिक, या फिर UPSC का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको भी ले लेता हूँ साथ में, तो दोनों प्रकार से मैं यूज कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंसर राइटिंग कंप्लीट करूँगा, इसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो देखिए, आंसर राइटिंग तो आप सभी समझ ही रहे हैं, बाकी रही कि मेरे पूछ रहे थे कि मतलब आप हिंदी मीडियम से थे पहले, लेकिन अब इंग्लिश मीडियम से हैं, तो कैसे मतलब आंसर राइटिंग कर लेते हो। तो देखिए, मैंने प्रैक्टिस किया है, जब अपना मीडियम चेंज किया था उस टाइम पर मैंने लिसनिंग, राइटिंग और स्पोकन तीनों मैंने कंप्लीट किया था, तीनों पर काम किया था। मैं डेली राइटिंग करता था, आंसर राइटिंग आज भी करता हूँ और आज से पहले भी करता था। इस वजह से मेरी जो राइटिंग स्किल जो बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन हर एक आंसर में जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ और ऑथेंटिक रूप से क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक क्वेश्चन है उड़ान का, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था उड़ान के बारे में, ज़रूर बताना आप सभी लोग, या तो इसमें देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे मुझे पता है, तो ज़रूर बताना, ठीक है। इसे क्वेश्चन जैसे ही ये कंप्लीट होगा, और कंप्लीट करने के बाद में फिर आप सभी को बता दूं मैं कि मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ूंगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी में मेरा एक चैप्टर जो बाकी बचा हुआ है तो उसको कंप्लीट कर रहा है, लास्ट चैप्टर है ये, 60 चैप्टर है, नंबर चैप्टर है, तो इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद फिर आप सभी से मिलूंगा। तो 5:11 हो रही है और काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब पढ़ते पढ़ते पता नहीं चलता है कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो खैर कोई नहीं, आप सभी बस सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए साथ में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। तो ये है कि चलो इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, इसके बाद फिर मेरी कंप्लीट हो जाएगी, जैसे ये मेरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा, क्योंकि हिस्ट्री में पढ़ता हूँ डेली, और हिस्ट्री की RS शर्मा पढ़ता हूँ, ठीक है। RS शर्मा होगा, आप सभी को पता होगा। तो देखिए, ये है RS शर्मा, ठीक है, और इसमें ह्यूमन के बारे में पूरा पढ़ूंगा, ह्यूमन स्टोन एज, ठीक है, तो ये पढ़ने को मिलेगा। अगर आपको ये वाली बुक चाहिए तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने, और काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो चलिए फिर इसको पढ़ लेता हूँ, इसका चैप्टर ये कंप्लीट करूँगा, इसको कंप्लीट करने के बाद वीडियो को एंड करूँगा, क्योंकि टाइम जो काफ़ी हो चुका है, और मैं सुबह उठता हूँ तो मुझे जल्दी सोना होता है, इस वजह से मैं जल्दी सोता हूँ फिर, क्योंकि अपना टाइम मैनेजमेंट करना है मुझे, सुबह 3 बजे उठना है, तो उसके लिए फिर थोड़ा जल्दी भी सोना पड़ेगा, लेकिन खैर कोई नहीं, चलिए पहले इसको कंप्लीट करते हैं। और आप सभी समझते हैं कि इंडियन एंशियंट हिस्ट्री जो काफ़ी कितनी इंपॉर्टेंट है और UPSC के लिए, सो आप सभी समझ सकते हैं। खैर चलिए फिर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और इसको वीडियो में कमेंट अच्छे से करके जाना, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देना। और आप सभी को फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।